राजस्थान में बेहतर चिकित्सा सेवा देने का दम भरने वाली अशोक गहलोत सरकार के अस्पतालों का हाल बेहाल है। दरअसल कोटा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कोटा MBS अस्पताल की स्ट्रोक यूनिट में भर्ती महिला मरीज की आंख को देर रात चूहों ने कुतर दिया। महिला की पलक के दो टुकड़े हो गए। मामले की जानकारी लगते ही अस्पताल में हड़कंप मच गया। दरअसल 28 वर्षीय रूपवती बीते 46 दिनों से MBS अस्पताल के न्यूरो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती है। उसका पूरा शरीर पैरालाइज है। वो शरीर का कोई हिस्सा हिला नहीं सकती, साथ ही बोल भी नहीं सकती। महिला के पति देवेंद्र सिंह भाटी का कहना है कि सोमवार देर रात को वो अपनी पत्नी के साथ ही ICU में था, जिस दौरान यह हादसा हुआ। ये हॉस्पिटल में भर्ती है, 46 दिन से पैरालाइज अटैक आया, तो न्यूरो ICU में भर्ती है। रात को पता नहीं किसने काटा, रात खून ही खून हो गया आँख पे। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि किसी कीड़े ने काटा। नहीं, ICU में कीड़े कहाँ पे है? वही सर, बात समझ नहीं मेरी। आप घाव देख सकते हैं, घाव कितना है, पलक के दो टुकड़े हो चुके हैं सर। पलक के दो टुकड़े हो गया? ये हुल भी नहीं सकती? नहीं सर, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है, सिर्फ नेक में मूवमेंट है। मैं था सर, मैंने जब ये रोने लगी ना, जब करा तब जाके मैंने कपड़ा हटाया ना, क्योंकि रोशनी की वजह से कपड़ा ढक देता हूँ जो सो पाए। किसी को बताया आपने यहाँ? डॉक्टर को बता दिया था रात को। इंचार्ज आया, डॉक्टर साहब आए, उन्होंने रात को ट्रीटमेंट कर दिया था, ऑइंटमेंट दे दिया था। सुबह भी आंखों के डॉक्टर साहब आए, उन्होंने देखा, अभी स्ट्रेचिंग हो। बिल्कुल है सर, पूरे हॉस्पिटल में है सर चुके, तो इस वार्ड की तो कहते हैं वार्ड में भी है सर। अभी तक सर दिक्कत आई नहीं, पर अब दिक्कत आई है। तो आज मैंने बोला है कि चूहों का भी हो सकता है, डॉक्टर भी कह रहे चूहों का भी हो सकता है। वहीं मामले की जानकारी लगने के बाद अस्पताल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आनंद फानन में जिसको जो सही लगा वो कदम उठाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही मामला मीडिया के सामने आया, अस्पताल प्रशासन ने अपनी साख बचाने के लिए मामले को दबाने की कोशिश की। MBS अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर समीर टंडन का कहना है कि चूहे ने न्यूरोस्ट्रोक ICU में मरीज को काटा है या नहीं, इस मामले की जांच करवाई जा रही है। उन्होंने संदेह जताते हुए कहा कि इसमें अस्पताल प्रबंधन की गलती है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मरीज के परिजन को भी ICU में एंट्री रहती है, ऐसे में जब वो वहाँ पर मौजूद थे तब उनकी भी जिम्मेदारी बनती थी। रूपमती बाई एक 55 साल की पेशेंट है जो स्ट्रोक यूनिट में भर्ती थी और 45 दिन से भर्ती है, और ये GBS मतलब गुलेनबेरी सिंड्रोम से पीड़ित है। कल रात में जो इस तरह का हुआ कि भाई चूहे ने इनके राइट आईलेट के ऊपर थोड़ा सा बाइट किया है, और ये जो है इंसिडेंस है ये हम पूरा दिखवा रहे हैं कि हालांकि हम हर मंथली पेस्टिसाइड कंट्रोल करते हैं और इस बार भी चल रहा है करीब पेस्टिसाइड कंट्रोल, मतलब सारे जितने भी भाई रोडेंट्स हैं या कॉकरोच हैं इनका सारा पेस्टिसाइड कंट्रोल चलता है, लेकिन फिर भी पेस्टिसाइड आए जाते हैं। अब ये है कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसकी पूरी जाँच हम कल करवाएंगे, और ये मैंने अधीक्षक साहब से और मतलब आप लोगों से भी कहा है और ऋषि साहब के मार्फत भी, क्योंकि पेस्टिसाइड कंट्रोल के बावजूद भी इस तरह का इंसिडेंस हुआ है। देखिए, जिम्मेदारी हमारी स्टाफ की है, रात में जो भी स्टाफ था, और अगर कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ है तो उनके अटेंडेंट भी साथ थे। अटेंडेंट एक अलाउड होता है स्ट्रोक यूनिट में, और पेस्टिसाइड कंट्रोल हम हर महीने कराते हैं। उसके बावजूद भी हम इंक्वायरी में अगर जो भी तथ्य निकलेगा और जो भी दोषी होगा उसको हम पूरा उसके हिसाब से हम कार्यान्वित करेंगे। नहीं, चूहे तो देखिए साहब कहीं भी खाने पीने की चीज़ें होती हैं वहाँ चूहे आते हैं, और ये जनरली भाई जो पेशेंट के अटेंडेंट रहते हैं वो अपने साथ में खाने वाने की चीज़ें रखते हैं अपने पास। नहीं, सफाई तो रहती है साहब। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वहाँ पर ये जो हर महीने हम जब पेस्टिसाइड कंट्रोल कराते हैं, और आप इसके पास में मेडिकल वार्ड है, उसमें हमने पूरे एक कट्टा भर के चूहे निकाले हैं हमने, तो ये हो सकता है कि चूहा भाई आ भी गया हो, लेकिन इसकी हम पूरी छानबीन करवा के और पूरी जांच करवा के जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी इसमें कसूरवार होगा उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। भाई, आपका अस्पताल जो है वो खुद बीमार है, लाइट यहाँ पर जारी रहती है। मामला सामने आने के बाद अन्य मरीजों और तीमारदारों से बातचीत की गई तो उनका कहना था कि अस्पताल में कई जगहों पर चूहों को देखा गया है। प्रशासन से इसकी शिकायत भी की गई है, लेकिन किसी भी अधिकारी या कर्मचारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। फिलहाल मामले को दबाने के लिए पूरा अस्पताल प्रबंधन जुटा हुआ है, लेकिन अस्पताल में ऐसी घटना होना एक बहुत बड़ी लापरवाही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पंजाब के CCTV के लिए कोटा से योगेंद्र महावर की रिपोर्ट।